Is it working? Ah, now it is. Okay. Good afternoon and welcome. I'm glad that everybody's out in full force to have a conversation which promises to be interesting. और मैं शुरू करना चाहती हूँ मनमोहन जी से. उन्होंने ये किताब लिखी है We and the World Around. और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप देखें, हमने कहा था कंटिन्यूस सिविलाइजेशनल और आपने कहा भारत, तो अगर ये ज्योग्राफी कितनी इम्पोर्टेंट है, क्यों, अगर आप मतलब आप वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू से भारत, कैन यू नॉट से उसको हम सब्स्टिट्यूट करके इंडिया और हिंदुस्तान क्यों ना कह सकते हैं, अगर आप हिंदुइज़्म और हिंदुत्व कह सकते हैं या हिंदू कहते हैं कि हिंदू ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, सो वाई नॉट उसको हम भारतीय क्यों कहेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ ज्योग्राफी इन दिस होल सिचुएशन. भारत की सदियों से एक विशेष पहचान दुनिया को हुई है, क्योंकि भारत का व्यू ऑफ लाइफ ये स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, होलिस्टिक है, इंटीग्रल है. सो इट सीज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है. ये विचार भारत से निर्माण हुआ है, ये भरत भूमि की विशेषता है, और इसलिए भारत के लोग दुनिया भर में व्यापार करने गए. बट अवर पीपल डिड नॉट कॉलोनाइज देम, डिड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट देम, डिड नॉट प्लंडर देयर रिसोर्सेस, नाइदर उनको एनस्लेव करके उनका व्यापार नहीं किया जो यूरोप अरब के लोगों ने किया है. तो ये भारत की जो विशेषता है, ये इसका मूल भारत है. इंडिया शब्द बहुत बाद का है, अंग्रेज़ों के आने के बाद का है. भारत प्राचीन काल से है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज़ भारत लिखा ही है. तो भारत को भारत कहना अधिक योग्य होगा, समयोचित है. और भारत कहने से इसकी जो एक सांस्कृतिक कल्चरल जिसका आधार स्पिरिचुअल है, ऐसी पहचान दुनिया को जो हुई है, उसके स्वाभाविक एक बात मन में आती है, प्राचीनता भी ध्यान में आती है, क्योंकि भारत शब्द बहुत एंशंट है. पवन जी, आपने द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन लिखा है और आपकी यू डू बिलीव दैट दैट इट इज़ अ सिविलाइजेशन. सो माई क्वेश्चन इज, वाई डू यू लुक एट इट, वाई डज ज्योग्राफी मैटर, वाई कांट इट बी हिंदुस्तान, why can't it be, why is it India versus Bharat, why can't, if you look at Aghan Bharat too, if you talk about Hindustan, then it also includes the areas that everybody talks about in Aghan Bharat. So why does the geography matter so much? I think geography identifies a civilization. We are one of the most ancient civilizations of the world, and that civilization is marked by antiquity, by continuity, by assimilation, by diversity, and by peaks of refinement. तो ये एक अद्भुत विरासत है. It's a remarkable legacy. और भारत या इंडिया, इंडिया एक मॉडर्न ब्रांड नेम है जो विश्व भर में जाना चाहता है. भारत और इंडिया में आपसी विरोधाभास में नहीं देखता हूं. आई डोंट सी नेसेसरली अ कॉन्ट्रडिक्शन. और संविधान भी यही कहता है, इंडिया दैट इज भारत. तो टेक योर पिक, यू कैन चूज टू से व्हाट यू विश, बट दैट डज नॉट ऑल्टर द फैक्ट दैट देर इज अ डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशनल quality about Indian और भारतीय civilization. मुझे लगता है मनमोहन जी का उस तरफ इशारा था, क्योंकि it's a fact that a great part of our history dating back to 10,000 years on the basis of verifiable evidence has been largely neglected, ignored, or not sufficiently explored.
इवन द एंटीक्विटी ऑफ इंडिया टिल रिसेंटली हम कहते थे अंग्रेजों की जो थियोरी थी कि 1500 BC में आर्यन आए, उन्होंने मोहनजोदारो को तबाह किया, उसके बाद वो ऋग्वेद तब लिखी गई। आज की लेटेस्ट रिसर्च सरस्वती नदी पर बेस करके कटिंग एज ऑफ साइंस टेल्स अस कि ये कम से कम 1500 साल पहले की बात है, सो दैट प्रीडेट्स आवर सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन की जो बुनियादी खासियत थी, द फाउंडेशनल स्ट्रेंथ वॉज इट्स दर्शन, इट्स फिलोसफिकल आउटलुक। जो महावाक्य है हमारा, जो ऋग्वेद में लिखा है, जो महाउपनिषद में है, और जिसको भागवत पुराण कहती है कि ये हमारी पूरी दार्शनिक विरासत का सबसे बड़ा वाक्य है, द बिगेस्ट स्टेटमेंट ऑफ आर सिविलाइजेशनल हेरिटेज, वो है एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, द ट्रूथ इज वन, वाइज पीपल कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स। एंड अलॉन्ग विद इट एट द सेम टाइम वी हैव महावाक्यज लाइक आनो भद्र कृतवो यंतु विश्वतः, लेट गुड थॉट्स फ्लो टू मी फ्रॉम ऑल डिरेक्शन। और मंदरा जी, ये जब आर्टिकुलेट किए गए थे आज से 7,000, 5,000, 6,000 साल पहले, ये क्रांतिकारी सोच थी, इट वॉज रेवोल्यूशनरी थॉट, बिकॉज उस समय ह्यूमन हैबिटेशन वॉज सेटलिंग डाउन और लोगों का ज्यादातर ये विचार था कि जो हम सोचते हैं वही सही है, बाहर की चीजों को बाहर रखो। और हमारे एंशंट सेजेस कह रहे थे कि उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम, फॉर द बिग हार्टेड द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। जब मैं राज्यसभा का सदस्य हुआ, पार्लियामेंट में गया, तो पहले एंट्रेंस पे यही लिखा है, उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम। तो आज भारत भारत रहेगा और भारतीयता की परिभाषा भारतीय रहेगी अगर हम इन सिद्धांतों पर खड़े उतरेंगे। इफ वी रिमेन व्हाट वी वर एंड व्हाट गाइडेड आवर थॉट एंड विजन, वी विल बी ट्रूली भारत। बद्री जी, अगर आप देखें, ये आपसे ये मैं ज्योग्राफिकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपने जो आपने किताब लिखी थी विच इज़ द रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, देर इज़ अ सर्टन एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग दिस आइडिया ऑफ भारत इन टर्म्स ऑफ हाउ डज इट ट्रांसलेट पोलिटिकली एंड हाउ इज इट हेल्प्ड इन योर रिसर्च, हाउ डू यू सी दिस ट्रांसलेट ऑन द ग्राउंड, बिकॉज देर हैज़ बीन अ सर्टन एक्सेप्टेंस ऑफ इट एंड अ सर्टन पोलिटिकल गेन टू, सो हाउ डू यू लुक एट इट? मंदिरा, आई थिंक इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो देर इज ए क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी विच यू रेज, बट ऑल्सो विद इन ज्योग्राफी देर इज ए स्पेस, एंड द नोशन ऑफ ए स्पेस इज नॉट ऑलवेज ज्योग्राफिकल, इट्स देर इज ए थियरी एज ए ज्योग्राफर हु यूज्ड टू से ए स्पेस इज ए स्पेस ऑफ मेमोरी एंड नैरेटिव्स, यानी स्पेस बनता कैसे है, स्मृतियों से और बातों से, संवादों से, यानी जगह से नहीं बनता। जैसे हम लोग कहते हैं होम, तो होम कैसे बनता है या जगह कैसे बनती है, वो मेमोरी एंड वृतांतों से बनती है। और भारत का जो वृतांतिक स्फीयर है, नैरेटिव स्फीयर है, वो एक अपना भारतीय स्पेस बनाता है जो एक ज्योग्राफी भी है, बट बियॉन्ड ज्योग्राफी है, यानी भारत का ज्योग्राफी की एक सीमा है बट उस वृतांत की सीमा नहीं है। जैसे रामायण की कथा है, जैसे हमारे फोकलोर्स हैं, लोक कथाएं हैं, लोक स्मृतियां हैं, वो किसी भी देश में ट्रैवल करती रहती हैं, मेमोरीज ट्रैवल्स फ्रॉम हियर टू देयर। एक तो ये है, दूसरी बात यह है कि जो भारत का नोशन है कितना कम्युनिटी के जीवन में उतरा है। एक्चुअली आप देखेंगे तो गांवों में लोगों से अगर आप पूछें कि देश का क्या मतलब है, अगर इंटीरियर में जाएं, तो एक बार नेहरू ने पूछा इटावा के पास किसी से कि देश का क्या मतलब है, कहा जहाँ तक दिखता है वहाँ तक देश है, जहाँ तक दिखता है वहाँ तक देश है। और इसलिए आपको पता होगा कलकत्ता को भी देश कहते थे, यानी भोजपुर से, बिहार से कलकत्ता भी देश था एक समय था, क्योंकि एक्सपोजर उस तरह का नहीं था। लेकिन अगर आप उनसे इंडिया कहें
तो उससे ज़्यादा फेमिलियर वो भारत से। धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिटीज इम्पावर होती हैं, नॉलेज से जुड़ती हैं, उनके कैपेसिटी का विकास होता है, एक्सपोजर होता है आईटीआर से, तो वो भारत की अवधारणा से जुड़ते जाते हैं। यानी वो देश जो लोकल देश है वो भारत में बदलता है, और भारत जो है वो उनकी नैरेटिव स्पेस है, एक वृतांतों की दुनिया है, जिसमें भारत का की पिकुलैरिटी क्या है, जो उसके अपने वृतांत हैं, वृतांतों में विचार हैं, विचारों में दर्शन है, जो भी पवन जी कह रहे थे, और उससे दे क्रिएट देयर ओन स्पेस, देयर ओन भारतीयता। भारतीयता इज व्हाट? भारतीयता इज ए भारत, अगेन इस क्वेश्चन रेज अबाउट व्हाट इज भारत, इट्स ऑल्सो अबाउट भारतीयता। तो सो इन द पीपुल लाइफ, इन एवरी डे लाइफ ऑफ द पीपुल, देयर वैल्यूज ऑलवेज सर्कुलेट्स फ्रॉम हियर टू देयर थ्रू नैरेटिव, एंड दैट क्रिएट भारतीयता। सो दोज नैरेटिव बियर्स वैल्यूज मोरल्स ऑफ द लाइफ, एंड दैट क्रिएट्स भारतीयता। सो माई आर्गूमेंट इज दैट नैरेटिव मीन्स नॉट आज पोलिटिकल नैरेटिव विच यूज फॉर टूडे, इट्स अ नैरेटिव ऑफ द सोसाइटी क्रिएट्स भारत, एंड दैट इज इन देयर लाइफ, दैट डज नॉट कम, वो भारत जाने या ना जाने, लेकिन वो मूल्य उनके जीवन में है जो उनको नैरेटिव कबीर से मिलता है। एक छोटी सी घटना बता के आपको, मैं एक बिहार के छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ, एंड आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई विलेज टू इलाहाबाद आ रहा था, तो रास्ते में कुछ पैदल चलना होता है, 2 कोस तक पैदल चल के बस पकड़ना होता है, तो आई वॉज कमिंग टू टेक बस, तो वन दलित गाई वॉज डिगिंग द फील्ड एंड ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, लिसन दिस सॉन्ग, इट्स इन भोजपुरी, का होई राई राई पाई पाई जोड़ी के, एक दिन उड़ जाई है सुगनवा पिंजड़ा के छोड़ के। तो वॉट एवर यू आर कलेक्टिंग इन LIC, इन HDFC बैंक एंड दिस एंड दैट, ये सुगना उड़ जाएगा, एंड दिस दलित गाई इज सिंगिंग, जो 2 दिन की रोटी की लड़ाई लड़ता है। यानी ये ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहाँ लालच बढ़ रही है, अब ये जो मार्केट का डोमिनेंस है, लोभ बढ़ रहा है, वैसे में एक दलित क्रिटिक कर रहा है उसको, तो ये कहाँ से आता है उसके पास? कबीर से आता है, रविदास से आता है, ये भारतीय विचार परंपराओं से आता है उसके पास। दैट मेक्स आवर लाइफ एंड दैट मेक्स भारत। सो भारत इज देयर इन इट्स ओन वे। सो यू नो दैट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी दैट यू नो हमने कहा कि ये जो यू नो इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ये जो विचारधारा है या जो कबीर और इवन इन टर्म्स ऑफ भुले शाह ऑल द भक्ति पोएट्स नानक यू नो समहाउ यू हैव ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इट, हमारे रूह में जैसे बस गया है, राइट? यू ऑलवेज नो दैट। बट माई क्वेश्चन रियली इज दैट, और एंड पवन जी ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट, आपने भी बात की है, you know recently after the Ram Mandir Mohan Bhagwat wrote this piece about colonialism and said that ki ye jo fasad thi wo hamari wo colonial thi aur hamare ye we have inherited it. To main aapse puchna chahti thi ki agar aap dekhen ye jo oral traditions jo the hamare ya jo hamari ye intrinsic memory, let's say cell memory, aur jo hamare इसको हाउ मच ऑफ दैट इज कलोनलाइजेशन, कितना हम ब्लेम कर सकते हैं कलोनलाइजेशन पर, एंड आप हाउ डू यू अब इसको रिक्लेम कैसे किया जा सकता है, और आप बताएं कि आप इसको कितना आप कलोनियल पावर्स पर ब्लेम करना चाहते हैं। कलोनाइजेशन के कारण भारत को एक पॉलिटिकल यूनिट देखने का हमको विचार आता है जो भारत का मूल विचार नहीं है। अंग्रेजों को पहले एक शासन नहीं था, नो सिंगल रूल, अनेक राजा थे, उनके राज्य की सीमाएं कम ज्यादा होती थी, पीपल पर वन, लोग जुड़े हुए थे, इन्हीं बातों से अपने अपने बोली भाषा में सबने एक ही बात कही है सदियों से। इसलिए ज्योग्राफी तो अपने स्थान पर है, अभी भी भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन इस विचार को वहाँ स्थान नहीं मिल रहा है, वो भारत से थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन आज भी सटल एलिमेंट्स है उसमें। आप बर्मा जाएंगे किसी छोटे गांव में और भारत से आए पता चलता है, पीपल टॉक विथ यू विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि आप भगवान बुद्ध की धरती से आए हो। अगर आपके बोलने में आए कि आप बोध गया जाकर आए हो, आपके पैर छूते हैं। एक हमारे मित्र संपादक ऑर्गेनाइजर के चाइना गए थे, एक मॉन्यूमेंट देख रहे थे, वन लेडी केम टू हिम आस्किंग हिम आर यू फ्रॉम इंडिया, इसने कहा यस, उन्होंने पैर छुए इसके,
तो पॉलिटिकल यूनिट अलग अलग है, लेकिन भारत का जो आध्यात्मिक जो धरोहर है इसके साथ लोग आसानी से कनेक्ट करते हैं। बांग्लादेश के ढाका के उमर अली नाम की केमिस्ट्री के प्रोफेसर हमारे साथ नागपुर में PhD करने साथ थे, हम 3 साल साथ में थे। हमारे सोशल गैदरिंग में उत्तम बंगला बोलते थे, रविंद्र संगीत गाते थे। रविंद्र संगीत में क्या है, सारे भारतीय मूल्य ही है। तो देर आर सम सटल एलिमेंट्स आज भी दैट कनेक्ट अस। इसलिए बियॉन्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी हम ये स्पिरिचुअल कल्चरल सिविलाइजेशनल हमारे ट्रेडिशन से जो आपने कहा वो सदियों पुरानी है उधर फोकस करेंगे, आज भी कनेक्शंस है। ये तो भारत के लगी हुई भूमि के बाहर भी है। इसलिए इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुल देश होने के बाद भी वहाँ रामलीला होती है। उनके प्रधानमंत्री जब भारत आए थे दिल्ली में, उनको पत्रकारों ने पूछा कि इवन द यू आर मुस्लिम हाउ कैन यू सेलिब्रेट रामलीला, यहाँ के लोगों को यह प्रश्न पड़ सकता है। उन्होंने जवाब दिया, सम जनरेशंस अगो वी माइट हैव चेंज अवर रिलीजन, वी हैव नॉट चेंज अवर फोर फादर्स। आज थाईलैंड में अयोध्या नाम की जगह है, थाईलैंड के किंग को राम टाइटल है। देयर इज कनेक्शन, वो जोग्राफिकली कनेक्टेड भी नहीं है एक अर्थ में, और पॉलिटिकली अलग देश ही है, कनेक्शन। इसलिए बैंकॉक के एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन का सुंदर शिल्प है। वो क्यों है, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन गोज बियॉन्ड ज्योग्राफी का आइडेंटिटी। कॉलोनाइजेशन ने ये किया कि हर एक को पॉलिटिकल दृष्टि के से ही देखने की एक आदत लगी, क्योंकि यूरोप में नेशन स्टेट कंसेप्ट ज़्यादा है, वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट वहाँ पर है। भारत में कभी वेलफेयर स्टेट नहीं था, यहाँ राष्ट्र संकल्पना पीपल ओरिएंटेड है, नॉट स्टेट रिलेटेड। रविंद्रनाथ ठाकुर का सुंदर पुस्तक है स्वदेशी समाज, वो कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट इज द वेस्टर्न ट्रेडिशन नॉट इंडियन ट्रेडिशन। वो कहते हैं वह समाज जो अपनी आवश्यकताओं के लिए स्टेट पर कम से कम डिपेंडेंट है वो स्वदेशी समाज है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जुडिशियरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस सिक्योरिटी ये केवल विभाग राजा के पास होते थे, बाकी हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, यात्रा, मेला, ये समाज की अपनी व्यवस्था थी। जिसलिए ट्रेजरी से धन नहीं आता था, समाज देता था। समझने के लिए, एक खंभे पर खड़ा तंबू है, वो खंभा टूटता है, तंबू जमींदोज होता है। लेकिन चार पांच खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, फिर भी तंबू खड़ा ही रहेगा, इट विल बी डी शेप, और टूटे खंभे को अंदर से खड़ा करने की सुविधा रहती है। तो भारत में ये व्यवस्था थी। तो परकी आक्रमक आए, यहाँ के राजा पराजित हुए, परकियों का राज्य आया। यहाँ का राष्ट्र स्टेट रिलेटेड नहीं है, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। इस राष्ट्र ने इस राष्ट्र का होने का एक ताज़ा परिचय कोरोना पैंडेमिक में दिया है। दुनिया भर में कोरोना पैंडेमिक था, अदर देन भारत, इन एवरी कंट्री इट वाज ओनली द स्टेट मशीनरी एम्प्लॉयज, दे वर वर्किंग टू हेल्प एंड सेव पीपल। भारत इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने खूब अच्छा काम किया है, नो डाउट। लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले हैं, और फ्लड, अर्थक्वेक के बाद जाकर सेवा करना इज डिफरेंट। सच ए हाईली इन्फेक्शस, हाईली फैटल बीमारी यह जानकर भी लोग बाहर निकले हैं, ये भारत के समाज का जीवंत, जिंदा होने का ताज़ा लक्षण है अभी का। एक ट्राइबल बच्चियों से मैं बात कर रहा था, आई आज दिन द क्वेश्चन, मेरी जान को खतरा है यह जानकर भी लोग क्यों निकले, भाषा आती नहीं थी, जानते नहीं थे। तो एक लड़की ने खड़े होकर कहा, शी पुट इट वेरी सिंपल वर्ड, उसने कहा मन नहीं मान रहा था, दैट इज द कनेक्शन, इट इज द स्पिरिचुअलिटी, दैट मन नहीं मान रहा था। आई नो वन जर्नलिस्ट, बेटी है मेरी स्टेज इन भिलाई, एक मिडिल क्लास फैमिली है। अब यह आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र से माइग्रेंट वर्कर झारखंड, बिहार जा रहे थे, छत्तीसगढ़ होकर जा रहे थे, तो उन्होंने टीवी पर देखा, पेपर में पढ़ा,
उनके घर के सामने से नहीं गुजर रहे थे, और हजारों 40 लाख से अधिक लोग गए हैं, पैदल गए हैं, और कोई साधन नहीं था। इनको लगा मैं क्या कर सकती हूँ, ये विचार नहीं आया, मैंने क्या करना चाहिए विचार आया, नो कनेक्शन एट ऑल। तो उन्होंने 3 पड़ोसन से बात की, 4 महिलाओं ने गृहिणी, उन्होंने एक दिन 250 लोगों का भोजन बनाकर 250 फूड पैकेट लेकर वहाँ जाकर बांट कर आई, तब मन को तसल्ली हुई। ये कनेक्शन महत्व की बात है। उनकी बेटी अगर जर्नलिस्ट नहीं होती तो ये फोटो भी नहीं खींचते, प्रसिद्धि के लिए नहीं था वो। ये जो है, इसलिए ये भारत की कल्पना, इट गोज बियॉन्ड ज्योग्राफी। लेकिन हमको ये कॉलोनाइजेशन कारण बार बार उसके दृष्टि से देखने की आदत लगी है। सो वी नीड टू डिकोलोनाइज अवर माइंड। इसका मतलब हम भारत को सही अर्थ में समझ सकेंगे। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो क्लियर, इट्स सो विजिबल एक्चुअली। दृष्टि अगर हमारे पास है, हम जब घूमते हैं देश में तो ध्यान में आता है हम सब एक ही है। लैंग्वेज अलग अलग होगी, पहनावा थोड़ा अलग होगा, बट वी आर जस्ट वन पीपल। सो आई वॉन्टेड टू आस्क यू पवन जी, यू नो यू लुक एट डीकोलोनाइजेशन इन अ डिफरेंट वे। यू हैव मेड दिस पॉइंट वेयर यू हैव सेड दैट यू नो एवरी oppressed country, I'm sort of paraphrasing, needs to reclaim its history. You've looked at an attempt, you've said that in the previous attempt of colonization, decolonization, we didn't look at, it wasn't, well, I'm saying not Indian enough, I'm sticking to the word Indian, not Bharatiya, and there is a need to sort of take pride in what we have, you know, whether it is Natya Shastra, or this thing, and we haven't done that. You've said you've looked at it through this prism where we have not appreciated either our art or our history. You gave an example of tryst in Nehru's speech. So can you talk about how you see colonization and decolonization? Manmohan ji ki baat ko aage le jaate hue, main ye kehna chahta hoon ke dekhiye, colonization is not, maine abhi एक किसी और पुस्तक के विमोचन में भी ये बात कही, मैंने इस पर पुस्तक भी लिखी है बिकमिंग इंडियन, और पुस्तकों में भी इसका जिक्र किया है। कॉलोनाइजेशन इज नॉट अबाउट ओनली द फिजिकल सब्जुगेशन ऑफ द कॉन्कर्ड, इट इज अबाउट द कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड। और कॉलोनाइजेशन की वजह से अपनी ही संस्कृति, अपनी ही विरासत, अपने ही हेरिटेज, अपने ही कल्चर की तरफ एक हीनता का बोध होता है, अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी अबाउट हु यू आर। और पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल जाती, जैसे मिली हमें 15 अगस्त 1947 को, जब तिरंगा ऊपर गया और यूनियन जैक नीचे आया। पर ये जो कल्चरल कॉलोनाइजेशन है, उसको सदियां लग जाती हैं जाते जाते, इट टेक्स डेकेड्स, एंड इट इज द फेट ऑफ ऑल कॉलोनाइज कंट्रीज। तो मैं समझता हूं उससे उभरने की जरूरत है। दूसरी चीज, हिस्टोरिकल नैरेटिव को भी करेक्ट करने की जरूरत इस सेंस में है कि 1947 के बाद परहैप्स फॉर वेल इंटेंशन रीजंस हमने जो हिंदू सभ्यता या संस्कृति थी या सनातन संस्कृति थी, जो उस पर प्रहार हुआ था, द डिस्ट्रक्शन एंड पिलेज एंड प्लंडर ड्यूरिंग द तुर्किक इन्वेजन एंड लेटर द कॉलोनाइजेशन बाय द ब्रिटिश, स्पेशली द फर्स्ट फेज ऑफ इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट, दैट वॉज ग्लॉस्ड ओवर, as I said, perhaps for well-intentioned reasons in the aftermath of the religious frenzy unleashed by partition. But there is a need to rectify that history, understand it, go beyond it, stop excavating the acrimonies of the past, and like for instance in South Africa we have the Truth and Reconciliation Commission, move on. तीसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि मनमोहन जी ने एक तंबू का उदाहरण दिया। अब ये जो इंडिया है या भारत है, अगर ये तंबू है तो उसमें बहुत सी डाइवर्सिटी है मनमोहन जी। एक तो भारतीयता है, एक एंशंट कल्चर और उसका इम्पैक्ट है जिसको रिकग्नाइज करना जरूरी है।
पर अब तक इन मिलेनियाज में, इन सेंचुरीज में, इन सदियों में इस देश में अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं. चार धर्मों का तो यहाँ इस देश की मिट्टी में पैदाइश हुई, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म. और उसके बाद हमारे मुल्क में मुस्लिम भी, अमंग द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ मुस्लिम्स आल्सो लिव इन दिस वर्ल्ड. तो भारतीयता की एक परिभाषा ये भी होना जरूरी है कि हम एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति के सिद्धांतों पर चलते हुए एक मल्टी कल्चरल, प्लूरल, मल्टी रिलीजियस नेशन का निर्माण करें जिसमें समन्वय हो. और ये बात मोहन भागवत जी ने राम मंदिर के बनने के तुरंत बाद कही. उन्होंने कहा करुणा हो, मतभेद के हटने की जरूरत हो. उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस में जो राम राज्य की परिभाषा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा. और फिर उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, ऑल इंडिविजुअल्स शुड होल्ड ईच अदर विथ रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन. ये भी हमारी लेगेसी है. और उस तंबू के अंदर उस देश का निर्माण करना है जहां पर इस तरह की भारतीयता भी पनप सके. चौथी और आखिरी बात बिफोर आई फिनिश. देखिए, जब मनमोहन जी आपने कहा कि इतनी गौरवान्वित करने वाली विरासत है, तो उसमें सत्य को भी अपनाने की भी जरूरत है. इस विरासत में कई मामलों में बहुत संशोधन की जरूरत है. हम वीर सावरकर की बात करते हैं, जिनको मैं एक रेवोल्यूशनरी पेट्रियट मानता हूं, पर वीर सावरकर ने हिंदू राष्ट्र से कहीं ज्यादा लिखा है हिंदुइज्म में सोशल रिफॉर्म पे. उन्होंने व्याख्या की है सात बेड़ियों की, स्पर्श बंदी, बेटी बंदी, रोटी बंदी, व्यवसाय बंदी. उन्होंने कहा इन सब त्रुटियों को, इन सब जो पुरानी बिछड़ी हुई बातें चली आ रही है, इनको बदलने की जरूरत है. पर आप देखेंगे कि वही हिंदू धर्म जो कहता है, जो समानता पर इतना महत्व देता है, विच एम्फसाइजेस ऑन इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियंस, इसमें निहित आज भी कितना एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन है. लुक एट द कंडीशन ऑफ द दलित्स इवन टुडे इन सोसाइटी. देर इज अ हायरार्की and people are exploited on the basis of caste. So हम ये कह करके नहीं किनारा ले सकते कि हम सब एक हैं. हम सब एक हैं जब हम सबको equal respect दें, सबको अपना माने. और इसमें मैं जोड़ता हूँ महिलाओं को भी. इस देश में एक समय था जब महिलाओं को equality मिलती थी. आप अगर पुराने ग्रंथ पढ़ें, हमारे शास्त्रों के भी, तो वेमेन हैड एन इक्वल प्लेस. आप लोग ने सपने संवाद पढ़ा होगा यज्ञवल्क्य का, जिसमें द लेडी सेज आस्क द क्वेश्चन विथ इक्वालिटी. पर कहीं ना कहीं कभी लास्ट मिलेनिया, बिगिनिंग ऑफ द कॉमन ईरा और एडी, एक बदलाव आया जिसमें महिलाओं को सबॉर्डिनेट किया गया. और आज जो एक आयरनी हमारे सामने है, जब हम अपनी विरासत और भारतीयता की बात करते हैं, कि जब महिलाओं के नए पंख लेकर के वो नए परवाज ले रहे हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं, कुछ लोग भारतीयता का आड़ लेकर के उनको फिर से कहते हैं कि नहीं, जिस तरह से हम हिंदू समझते हैं आपको होना चाहिए, वैसे होइए, वैसे कपड़े पहनिए, वैसे खाइए, इन लोग से मिलिए, यहां मत जाइए, कहां जाती हैं ये मत कीजिए. ये सब हिंदू भाई चारवाक, हमारे
धर्म की जो आप एक कॉन्करिंग एक्लेक्टिसिज्म है उसको भी तो समझने की जरूरत है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, आज तक नो वन हैज बीन बर्न्ड ऑन द स्टेक फॉर ब्लास्फर्मी और हेरेसी। इट्स द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड। चारवाक्स थे हमारे यहां, एक सिस्टम ऑफ हिंदू फिलॉसफी नहीं है, छह हैं, और उनमें से पांच को आप एक टेक्निकली नास्तिक कह सकते हैं क्योंकि वो भगवान की बात ही नहीं कर रहे। दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट कुड बी द अल्टीमेट ट्रूथ बिहाइंड द बिविल्डरिंग प्लुरैलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, दिस कॉस्मोस। दे आर नॉट टॉकिंग ऑफ गॉड। और उनमें से एक स्कूल है चार्वाक जो कहता है कि वेदास आर असत्य, बंच ऑफ लाइज, वो भी हिंदुइज्म है। तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो हमारी है वो अनऑर्थोडॉक्स है, वो भी हिंदुइज्म है। पर आज कुछ एक अवधारणा बनती जा रही है कि अगर आप जरा सा भी कुछ क्रिटिक करें या कहें तो कुछ लोग जज बन जाते हैं कि आप उस तरह से हिंदू हैं कि नहीं है जिस तरह से आपको होना चाहिए। हिंदुइज्म, हिंदू सनातन धर्म एक जीवन शैली है। आप मंदिर जाइए ना जाइए, आप घर पे पूजा कीजिए, आप ना भी कीजिए, आप नास्तिक होइए। ये एक सनातन धर्म और भारतीयता की खासियत है और हमें उसकी तारीफ करते हुए, जिसकी मैंने की है, मैंने आदि शंकराचार्य पे किताब लिखी है हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट थिंकर, अभी तुलसीदास रामचरितमानस पे लिखी है, तो इन सब चीज़ों को समझते हुए जो और अभी काम बाकी है और जिसको ना होने से हमको इस भारतीयता को बचाना है उस पर भी जोर देना पड़ेगा। थैंक यू बद्री जी। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन। अभी मनमोहन जी ने कोविड का जिक्र किया था और कहा था कि यू नो ये इससे हमारी भारतीयता थी, एवरीबडी केम आउट टू हेल्प, सब ने मदद करने की कोशिश की। आपने कहा, आपने कहा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कोविड के बारे में। आपने कहा है कि कोविड के दौरान आपने रिसर्च की कि एक्चुअली जो कास्ट सिस्टम था और जो पहले झूठा और नहीं खाते थे उसमें कुछ बदलाव आया है। एंड कैन यू टॉक अबाउट हाउ दैट ट्रांसलेट्स? एक्चुअली कोविड, मनमोहन जी ने बहुत अच्छी बातें कही कनेक्ट के थ्रू कैसे होम बनता है, और मुझे लगता है कि जो कोविड कनेक्ट्स का सबसे बड़ा उदाहरण है, कैसे कोविड के टाइम को सबवर्ट किया। और कोविड के टाइम, इसको कहते हैं इमरजेंसी टाइम, जिसमें जो हमारा पूरा बॉडी है, जो जो एक तरह से पहले बायो, जिसको बायो पॉलिटिक्स, तो पहले जो था पावर पॉलिटिक्स, कोविड के टाइम में एक बायो पॉलिटिक्स में बदल जाता है। और उसमें शरीर की चिंता महत्वपूर्ण हो जाती है, अपने को बचाने की चिंता, और अपने को बचाने की चिंता के साथ साथ दूसरों को भी मदद करने की, यही जो भारतीय भाव जिसकी बात है कि वो मदद करने की। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक गांव, दो घटनाएं मैं आपको बताऊंगा उस दौरान जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे, वो देख रहे थे। एक आदमी ट्रेन में बैठा है, भाग के आ रहा है कोविड के समय, और उसको प्यास लगी है। वो जाति का ब्राह्मण है, बुंदेलखंड से जाता है। बगल में एक स्वीपर बैठा है, वो भी भाग के आ रहा है बॉम्बे से, दोनों बॉम्बे से आ रहे हैं। उसको, उसके पास पानी का बोतल है जिसमें से वो चार घूंट पी चुका है पहले, और इसको बहुत तेज प्यास लगी हुई है, वो तुरंत पानी का बोतल बढ़ा देता है, वो लेके पी लेता है। आप देखिए कास्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, कास्ट हैज़ नो मीनिंग। वो जब गांव में आता है, बुंदेलखंड के जिस गांव में, एक वहाँ की एक कहानी है कि एक उस गांव में ब्राह्मण, एक ब्राह्मण परिवार है और एक यादव परिवार है, और फिर मोस्ट मार्जिनल्स हैं जो ओबीसी कास्ट जिसको कहते हैं। तो पहले यानी कोविड के पहले जो यादव जी थे वो बड़े पावरफुल माने जाते थे, पंडित जी भी पावरफुल माने जाते थे। पंडित जी का बेटा बॉम्बे में काम करता था, तो वो लौट के आता है तो पहले पंडित जी अपने दरवाजे पे और यादव जी बैठने नहीं देते थे इन लोगों को। दोनों कोविड के समय में कोई उनके दरवाजे पे जाता ही नहीं था, क्योंकि दोनों के परिवार के लोग बॉम्बे में काम करते थे, तो ये था कि ये वहाँ से बीमारी आएगी और हमें फैल जाएगी। तो दिस सबवर्टेड दिस कास्ट द आइडेंटिटी इन दोज डेज, यानी एक तो कोविड ने एक ऐसा स्फीयर बनाया जिसमें सेवा, यानी
मदद, सेवा, एक दूसरे, बहुत सारी संस्थाएं उस समय भारत की आ गई सामने जो एक दूसरे को मदद कर रही थी। उसमें आदरणीय मनमोहन जी हैं, इनके सामने तो मुझे उस पर बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने तो एक रिसर्चर के रूप में उसको देखा है कि संघ के कार्यकर्ता लगातार पैकेट बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। मैं उसको कहता हूँ कि जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है वो वहाँ पर एक सोशल पॉलिटिक्स का रूप ले लेती है, और वो जो प्रोजेक्ट ऑफ हिंदुत्व है वहाँ ख़त्म नहीं होता है, वहाँ से एक नया रिकनेक्ट लेता है, और वो हिंदुत्व संघ का हिंदुत्व नहीं है, वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो जो एक सोशल पॉलिटिक्स का हिस्सा जो मैं कह रहा हूँ, वहाँ से एक नया इन्वेंशन होता है उसमें, और वो जो प्रोजेक्ट है वो सेवा का जो की जो परियोजना है उससे ज़्यादा गहरे जुड़ जाता है उस समय में, और समाज को बचाने की जो मनमोहन जी कह रहे थे कि समाज शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, वो समाज शक्ति को बचाता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, भारतीय समाज में जाति की बात हम लोग बहुत करते हैं क्योंकि हम लोग दलितों के बीच दलित समूहों पर काम करते हैं। बिहार में एक जाति है मोस्ट मार्जिनल में, अति निम्न पिछड़ा कह सकते हैं आप, मुसहर से भी नीचे, वो अपने घर में ब्राह्मण को भी के खांत का पानी नहीं पीते। ब्राह्मण अगर उनको देगा पानी तो नहीं पिएंगे। अब वो यानी ये जो हमारे यहाँ एक ऊपर से जाति आती है, नहीं जाति तो बना है लेकिन धीरे धीरे जाति जीवन से हमें उसके रोल बदलते जाते हैं कई जगह पे। तो कोरोना के समय में ये सारी जाति के बंधन एक समय टूट गए थे क्योंकि बायोपॉलिटिक्स इमर्ज कर गई थी और माइग्रेंट्स जो आ रहे थे वो पूरे एक नया सोशल स्फीयर क्रिएट कर रहे थे। प्रश्न है कि क्या कोरोना के बाद फिर से वो जाति लौट आई, और लौट आई तो क्यों लौट आई, और क्या पूरी तरह से गई थी या पूरी तरह से गई थी। तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी टाइम जिसको आपद धर्म कहते हैं हम लोग, आपद धर्म एक कंडीशन बनाता है जिससे कुछ तत्व पैदा होते हैं, उस तत्व को यानी आपद धर्म में आपको पता होगा कि मांस यानी विश्वामित्र को भी मांस खाना पड़ा था, तो वो जो एक ऐसी कंडीशन बनाती है जिसमें आप बहुत सारे अपने रूढ़ियों को भूल जाते हैं और तोड़ देते हैं, लेकिन उसी में से जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं कुछ तत्व ले लेती हैं और उसको आगे बढ़ाती हैं। जो सोशल सर्विसेज के में लगे हुए समूह हैं, संस्थाएं हैं, उसमें से उन्होंने कुछ चीज़ें ली हैं, और कई माइग्रेंट्स विलेजेस में जो काम हुए हैं कोरोना के बाद वो मोस्टली कास्ट सवर्जन का जो काम है वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप देखें तो वो ख़त्म कहीं हुई लेकिन कहीं वो आगे बढ़ती रही, कहीं वो आगे, तो एक तरह से चेंज भी होता है उस वैल्यू में। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, पवन जी के एक बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। उनका एक वाक्य था सारा वर्णन करते समय, यह भी हमारी विरासत है, आई फुल्ली एग्री, लेकिन यह हमारी ही विरासत, यह भी बात सच है। ये हमारी क्यों है, उसके पीछे भारत का अध्यात्म है। पहली बात हिंदुत्व की बात आई तो लोकमान्य तिलक की व्याख्या थी, वेदांत वाक्येषु भूतेषु उपासनानाम अनेकता, वेद को मानने वाले केवल हिंदू हैं। सावरकर जी ने उसको थोड़ा ब्रॉड किया, उस उन्होंने मातृभू पितृभू शैव कहा। तो भारत में जो आपने कहा कि जैन बौद्ध सिख, ये लोकमान्य तिलक की व्याख्या में नहीं आते थे, इनके व्याख्या में आ गए सावरकर जी व्याख्या में। लेकिन भारत में रहने वाला मुसलमान ईसाई जिसका उल्लेख पवन जी ने कहा वो उससे बाहर होता था। तो संघ के श्री गुलवलकर गुरु जी ने उससे ब्रॉडर व्याख्या की है कि हमारे पूर्वज एक है, हमारी संस्कृति एक है, ये हमारी भारत माता है, ये कॉमन बातें हमको जोड़ती है। हमारी उपासना रिलीजन अलग हो सकता है, इसमें भारत के सभी लोग आते हैं। जिस विरासत की बात आपने की है वो विरासत ये सब की है क्योंकि 99% लोग यहाँ से कन्वर्ट हुए हैं। अगर इंडोनेशिया का मुस्लिम रिलीजन बदलने के बाद भी राम को पुरखा मान सकता है, फॉलोइंग देयर ओन रिलीजन, यहाँ के लोग भी कर सकते हैं। इसलिए आरएसएस की शाखाओं में मुस्लिम्स ईसाई आते हैं, दायित्व लेकर काम करते हैं। बीइंग एज हिंदू वी डोंट बिलीव इन कन्वर्शंस, तो कन्वर्ट नहीं करते, दे कंटिन्यू टू फॉलो द सेम फेथ। फिर भी इस पुरखे एक है, विरासत कल्चर एक है, और ये हमारी भारत माता, इसको लेकर हम साथ जुड़ सकते हैं। और दो बातें कहूँगा कि बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, आई एम ग्लैड कि अच्छा पैनल आप लोगों ने यहाँ बनाए हैं। तो कुछ एबरेशंस बीच में आए हैं, पहले नहीं थे, बीच में आए हैं।
उनको ठीक करना भी आवश्यक है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने ही गीता में कहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ टाइम सेज इट ट्रैवल्स इन ए लीनियर वे एंड भारतीय कंसेप्ट सेज इट ट्रैवल्स इन ए साइक्लिक वे, काल चक्र है। इसलिए इसमें डिसेंट एसेंट चलते रहने वाला है, डिसेंट भी होने वाला है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य उत्थानम भवति तदा अहम सृजामि। अब साक्षात पूर्णावतार भगवान कृष्ण ने धर्म स्थापना करने के बाद तो वैसे रहना चाहिए, लेकिन नहीं, वैचारिक ग्लानी आएगी, आचरण में शिथिलता कुछ आएगी, उसको फिर से सेट राइट करने के लिए भारत में इस आध्यात्मिक पुरुषों हर जाति में हर प्रदेश में ये आध्यात्मिक पुरुष सक्रिय होकर उन्होंने फिर से समाज की जागृति की है। और बहुत महत्व की बात है, नए इंटरप्रिटेशन किसी ने किया, क्योंकि ब्लास्फेमी के लिए भारतीय भाषा में शब्द ही नहीं है। जैसे विवेकानंद ने कहा था शिकागो स्पीच में, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम अ कंट्री वेयर इन अवर डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत देर इज नो वर्ड फॉर एक्सक्लूजन। यस, शब्द ही नहीं है, ऐसा ब्लास्फेमी के लिए शब्द ही नहीं है। इसलिए मार्गरेट नोबल निवेदिता जी जो स्वामी जी की शिष्या थी, उन्होंने पुस्तक में लिखा है ब्रूनो भारत में होता जिंदा जलाया नहीं जाता, गैलीलियो भारत में होता तो उसको जेल में डालकर टॉर्चर नहीं करता। उसने नहीं लिखा है, मैं जोड़ता हूँ, जीसस क्राइस्ट भारत में होता क्रूसीफाई नहीं होता, कुछ अलग बात कहने से ब्लास्फेमी नहीं होती है। ये भारत की परंपरा है। तो ये भारत में ये आध्यात्मिक पुरुष समाज में लेकर ऐसी बार बार जागृति करते रहेंगे, और हिंदू समाज को भी हिंदुत्व समझना आवश्यक है, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। कास्ट के बारे में बात आई, मैं तीन शब्दों का प्रयोग करता हूँ, एक है कास्ट सिस्टम। अपनी आजीविका कमाने के लिए किसने कौन सा प्रोफेशन चुनना, ये बीच के कालखंड में कास्ट तय करती है। कास्ट पहले नहीं थे, पहले केवल वर्ण होते थे, वो जन्मजात नहीं होते थे, बीच में आ गया। अब वो नहीं है, भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं कि अपना अपना व्यवसाय उद्योग वो सहन कर वो चूज कर सकता है। तो कास्ट कास्ट है, वो डाइवर्सिटी के नाते उसको हम देख सकते हैं। कास्टिज्म गलत है, ये ऊंचा ये नीचा अनटचेबल, यहाँ किसी ने लाल कुर्ता पहना है, किसी का सफ़ेद है, किसी का हरा है, किसी का नीला है, ये वर्णन हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। कास्टिज्म क्या है, आपका लाल है तो आप ऊपर बैठेंगे, आपका सफ़ेद है आप नीचे बैठेंगे, आपका हरा है आपको यहाँ प्रवेश नहीं, ये गलत है, इसकी ज़रूरत नहीं। तो कास्टिज्म जाति भेद शुड गो लॉक स्टॉक बैरल, और संघ इसके लिए काम भी कर रहा है। कास्ट रहने भी एक दिक्कत नहीं, कास्ट होने के मेरे ख्याल से एक दो मुख्य फायदे ऐसे हैं। पहला, इवन दो संघ सपोर्ट्स इंटर कास्ट मैरिजेस, आज भी समाज में 90% शादियाँ जनरली कास्ट में होती हैं। इस कारण यहाँ डिवोर्स रेट्स कम है भारत में, क्योंकि लार्जर फैमिली का एक अपने आप एक बॉन्ड फॉर्म होता है। और जो सोशल रिफॉर्म्स करने हैं वो कास्ट लीडर्स के माध्यम से करना आसान होता है। मैं बीकानेर गया था, एक शेखावट परिवार में मेरा रात्रि का भोजन था, उनके परदादा का ग्रैंड ग्रैंड फादर का फोटो था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शेखावटी में लड़कियों को जन्म देते ही नहीं थे। मेरे परदादा ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया, लड़कियों को जन्म देंगे पढ़ाएंगे शुरू किया, धीरे धीरे शेखावट में ये परंपरा शुरू हुई। मैं जिनके घर गया था उनकी बेटी पूना में आयुर्वेद में MD कर रही है। तो ये रिफॉर्म करने के लिए इसका उपयोग है। तो कास्ट होना गलत नहीं, कास्टिज्म पूर्ण गलत है, जाना ही चाहिए। और कास्ट सिस्टम अब नहीं है, संविधान ने स्वीकार किया है, हमको उसको पालन करने की आवश्यकता है। लास्ट पॉइंट कहूँगा, देर इज अ वंडरफुल बुक बाय एरिक फ्रॉम नेम्ड टू हैव एंड टू बी। उन्होंने उदाहरण दिया, वी हैव समथिंग लाइक हम हिंदू हैं, हमें हिंदू बनना भी है, आचरण में लाना है। उन्होंने कहा कि एक लड़की 22 साल की युवती होती है, गेट्स मैरिड, गिव्स बर्थ टू ए बेबी, तो माँ तो हुई, शी इज ए मदर, ये उसका बेबी है, बट ही राइट्स
कि माँ बनना ये बहुत लंबी साधना होती है. That's true. उसकी अब शुरू हुई है. तो शी इज़ ए मदर एंड शी हैज़ टू बी ए मदर. दोनों बातें सही हैं. उसी तरह हम सब हिंदू हैं, जो भी हम भारत कहेंगे, जो भी कंटेंट ये है, हम हैं, हमको ये वारसा में मिला है. लेकिन हमको वैसे बनना भी है, हमारे पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, एज वेल एज दिस थिंग इन एवरी लाइफ. प्रोफेशनल लाइफ का एक छोटा उदाहरण बता दूं, फिर मैं रुकूंगा. जी, पवन जी को कुछ कहना है. जी जी, जल्दी. छोटा सा, इन 2015 आई वॉज ट्रैवलिंग इन अरुणाचल प्रदेश, डिसम्बर. मैं दूध की चाय नहीं पीता हूँ, रेड टी पीता हूँ. हम चार लोग थे, दो ढाई घंटा जर्नी हुआ, थॉट ऑफ हैविंग ए ब्रेक. एक छोटा होटल लेकर वहाँ रुकी गाड़ी. हम वी आर फोर पीपल, मेरे लिए लाल चाय, तीन लोगों ने दूध की चाय पी. लोकल कार्यकर्ता भी वेंट टू द काउंटर फॉर पेमेंट. वन लेडी वॉज रनिंग द होटल. मैंने बैठे बैठे देखा देर इज़ ए डिस्प्यूट अबाउट पेमेंट. मैं काउंटर पर गया, देर वॉज ए डिस्प्यूट. डिस्प्यूट क्या था? हमारा मित्र उसको चार कप चाय के पैसे दे रहा था, वो तीन कप के पैसे लेने के लिए तैयार थी. मैंने कहा बहन जी, मैंने चाय पी है, हम चार लोग हैं, आपने चार कप चाय के पैसे लेने चाहिए. उसने कहा भाई साहब, आपने भी वो चाय नहीं थी, पानी था, पानी के पैसे नहीं होते हैं. तो ये रामायण काल के नहीं, घोर कलयुग में दिसंबर 2015 की बात है. ये भारत है एक्चुअली, उसको पैसा कमाना है, घर को सपोर्ट करना है. लेकिन जो मेरा नहीं वो मेरा नहीं, वो अनपढ़ नहीं थी. लेकिन ये शायद DU JNU वगैरह शायद नहीं पढ़ी होगी, मे भी ठीक है. लेकिन वो बट क्यों शेयर्ड एवरीथिंग, एवरी राइट टू चार्ज मनी. उसने गैस बर्न किया है, चाय पत्ती खर्च हुई है, बाकी इलेक्ट्रिक चार्जेस, होटल का रेंट सारा. तो बट समथिंग वॉज स्टॉपिंग, अगर ये मेरा नहीं है, दैट इज ये हम ला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू वेरी मच. मनमोहन जी जल्दी से, पर बद्री जी भी JNU के हैं, सब JNU वाले. आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, JNU में पढ़े या नहीं इसको मैटर नहीं करता है. पर ये आपने जो कहा, ये जो आपने कहा, मैं ख़त्म कर रहा हूँ 30 सेकंड में, कि कास्ट के अंदर शादी करने से डिवोर्स रेट कम होता है. मैं समझता हूँ इसमें पूरी सच्चाई आज के संदर्भ, मॉडर्न संदर्भ में नहीं है. और इसमें अनिवार्यता का बोध नहीं होना चाहिए. देखिए, हिंदू धर्म एक जीवन शैली है. आप दिल्ली से 100 किलोमीटर चले जाइए, खप पंचायत हैं जो कहती हैं कि हम ही तय करेंगे किस कास्ट में, किस रिश्ते में कौन शादी करेगा. क्या वो इसलिए कहते हैं कि डिवोर्स बाद में नहीं होगा? वो इसलिए कहते हैं कि विमेन आर सबॉर्डिनेट. यस, और उसको बदलने की जरूरत है. अच्छा, वन सेकेंड, आई नो वी रन आउट ऑफ टाइम, वी कैन डू अ क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, कैन वी? नो, वी कैन डू. यू कैन, मनमोहन जी इज अवेलेबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. नो, यू कैंट हैव एनी क्वेश्चंस. यू कैन, बद्री जी इज साइनिंग हिज बुक. बद्री जी इज साइनिंग हिज बुक. आप अपना साइन कर रहे हैं ना बुक्स? बद्री जी विल आंसर एनी क्वेश्चंस आउटसाइड.